نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين سورة النحل آيات نمبر 25 پارا 14 लास्ट हम पढ़ चुके कि किस तरह अल्लाह ताला बता रहे थे कि अगर कोई किसी को बुराई की तरफ बुलाता है तो जिसने उसको बुराई की तरफ बुलाया और वो उसके कहने पर आ गया तो उसको तो मिलेगा ही बुलाने का गुना, साथ में वो जो बुराई कर रहा है उसका भी गुना मिलेगा। यानी जिस जिसको बुराइयों की तरफ बुलाया और जिस जिसने उसको देखकर बुराई की तो उन सब का गुने का एक हिस्सा उसके ऊपर भी डाला जाएगा, सबके गुनाह का एक हिस्सा। और इसी तरह जिसने भलाई की तरफ बुलाया तो और अच्छाई की तरफ बुलाया और लोग उसके बुलाने पर आए, भलाई की तरफ आए, नेकियों की तरफ आए, तो उनकी नेकियों का एक हिस्सा भी उसको मिलेगा। तो इस तरह दूसरों के बोझ भी उठाने होंगे अगर दूसरों को बुराई की तरफ बुलाया तो। ठीक है, जैसे इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक इंसान है, खुद वो शराब पीता है तो उसको उसका गुनाह खुद का मिलेगा, बहुत मिलेगा। लेकिन कोई एक इंसान है, उसकी शराब की फैक्ट्रियां हैं, तो जिस जिसने पी और जिस जिसको उसने पिलाई सबका गुनाह, जो काम कर रहा है, पी रहा है, मतलब टोटल गुनाह, तो और गुनाह में इजाफा हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई है और कोई अगर नेकियों की तरफ लोगों को बुलाता है, कुछ अच्छी बात सिखा जाता है, फिर वो अपने बच्चों को सिखाता है, वो नस्लों में खैर फैल जाती है या दूसरे लोगों तक खैर फैल जाती है, तो सब के सवाब का, नेकियों का एक हिस्सा उसको भी पहुंचेगा। ठीक है, इसी अब देखें आयत नंबर 26 में, पद दर हकीकत मकरा चाल चली अल्लदीना उन लोगों ने जो मिन कबलिहिम उनसे पहले थे, फाआत अल्लाहु सो दिया उन्हें अल्लाह ने, बुनियानहुम उनकी इमारत को, फा मतलब तो आया, अता मतलब आया, यहाँ पर बा नहीं है ना मुतजर, तो इसका मतलब होता है आना, अता याती, तो आया अल्लाहु अल्लाह बुनियानहुम उनकी इमारत, यानी बुनियान कहते हैं इमारत को, अरबी में बुनियान किसको कहा जाता है, इमारत या कोई भी बिल्डिंग, मिनल कवाइद बुनियादों से, मतलब उसके उसके बेस से, यानी उसके कवाइद कहते हैं फाउंडेशन को, तो उसकी बुनियादों से, फखर्रा तो वो गिर पड़ी, खर्रा या खुर्रू से, खारारा इसके रूट लेटर्स हैं, तो वो गिर पड़ी, खर्रा यखिर्रू तो वो गिर पड़ी, अलैहिम उन पर, सख्फ छत, सख्फ कहते हैं छत को, रूफ, मिन फौकिहिम उनके ऊपर से, मिन मतलब से, फौक ऊपर और हिम उनके, वा आता हूं और आया उनके पास अजाब, मिन हैसु जहां से, ला यशुरून नहीं वो समझ रखते, शारा यशुरून नहीं वो शऊर रखते, समझ रखते। यानी अब ये जो है एक इमारत की तरफ इशारा है कि उन लोगों ने जैसी चाल चली, यानी हजरत इब्ने अब्बास की के मुताबिक इस तफसीर की, इसकी तफसीर ये बताई जाती है कि नमरूद बिन किनाद के बारे में, कि नमरूद बादशाह जो था, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उसने वो किया था, बहसबाजी की थी, हुज्जत की थी और आसमान की तरफ चढ़ने के लिए शहर बाबिल में एक बहुत ऊंची इमारत बनाई, और कहा जाता है कि वो 15,000 हाथ थी, यानी इतनी ऊंची थी कि 15,000 हाथ। जब ये इमारत यानी बिल्डिंग बन चुकी तो अल्लाह ताला ने एक तेज आंधी चलाई जिससे वो गिर पड़ी और वो समुद्र में जाकर गिर पड़ी, और उसका कुछ हिस्सा उन लोगों पर भी गिरा जिससे वो हलाक हो गए। तो ये सजा उनको दी गई दुनिया में, और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, यानी उस पूरी इमारत को लेकर। ठीक है, तो अलग अलग इसकी तफसीर जो है वो बताई जाती है, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि बख्ते नजर हो सकता है ये, जिन्होंने आसमान पर किसी तरह चढ़कर अल्लाह ताला के खिलाफ चाल चली थी लेकिन वो नाकाम हुए,
और बाद मुफसरीन के ख्याल में ये एक मिसाल है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, तो उनके अमल किस तरह बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि एक इमारत हो और वो किस तरह गिर जाती है और उनकी छतें उनके ऊपर गिर जाती है। ठीक है, तो जैसे कि देखे ना, कौमे आद, कौमे समूद, इन सबका कितना बुरा हाल हुआ। इनकी इन्होंने जो जो बनाया था, जो जो कारीगरी की थी, जो जो स्किल इन्होंने, और कितनी कितनी फेमस कौम थी ये, दूर दूर तक फेमस और डेवलप्ड कौम थी ये, और इनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब अजाब आया तो इनकी सारी की सारी जो कारीगरी थी वो गिर गई, यानी जो भी इन्होंने बनाया था, जो भी इनकी स्किल थी, वो सब बर्बाद हो गई। फिर और यही बताना चाहते हैं अल्लाह ताला कि जो भी बुरे काम करता है तो दुनिया में तो उसकी सजा मिलती ही मिलती है, लेकिन आखिरत में बहुत बड़ी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। फिर आयत 27, सुम्मा, फिर यौमल कियामती, दिन कयामत के, युखजीहिम, वो रुस्वा करेगा उन्हें, अखजा युखजी, वो रुस्वा करेगा उन्हें, नीचा दिखाना, रुस्वा करना, डिस्ग्रेस करना, ही विल डिस्ग्रेस देम, वो उन्हें नीच रुस्वा कर देगा। वह यकूलू, और कहेगा, काला यकूलू, कहना, और वो कहेगा, आईना, कहाँ है, ये क्वेश्चन के लिए आता है, आईना, वेयर, कहाँ है, शुराका या मेरे शरीक, शुराका मतलब शरीक, और या वह तो मेरे शरीक, अल्लदीना, वो जो कुन तुम थे तुम, युशाकूना, झगड़ते, युशाकू, तुशाकू, सॉरी, तुशाकूना, तुम झगड़ते थे, अपोज करते थे, शीन काफ काफ, शख्स से बना है, शाका युशाकू, और ये तुशाकूना, तुम सब झगड़ते थे, पहले मुजारे है ये, शक, शीन काफ काफ, शक कहते हैं फटने को, बीच में से फट जाना, बीच में से दरार पड़ जाना, शक कहलाता है, टूट जाना। जैसे कि राय में, अगर जब राय में अगर दरार आ जाए, अगर राय फट जाए लोगों की, यानी तो फिर क्या होता है, मुखालफतें शुरू हो जाती है और लोग जो है अपोज करने लगते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे, तो फिर क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, झगड़ना, वो जो थे तुम, तुशाकू ना, झगड़ते, फी हिम, उसमें, काला, कहेंगे, अल्लदीना, वो लोग जो, अच्छा यहाँ पर पहले माजी है और बात किसकी हो रही है, कयामत की, जब कयामत के दिन क्या होगा। और तो मैंने बताया था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है और जिस बात को बहुत ज्यादा, जो बहुत बड़ा ट्रूथ होता है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और बहुत अहम बात होती है, उसको अहले अरब पहले माजी के सीगों के साथ बताया करते थे, तो उससे वो पता चल जाता था कि ये इम्पोर्टेंट बात है। कहेंगे, अल्लदीना, वो लोग जो ऊ तू दिए गए, अतायाति से, ऊ तू मजहूल है, इल्मा इल्म, इन्नल खिजिया, बेशक रुसवाई, अल यौमा, आज के दिन, वसूआ, और बुराई, अलल काफिरी, काफिरों पर है। यानी कयामत के दिन क्या होगा, यानी दुनिया में तो उन लोगों को रुस्वा किया गया और आखिरत में भी रुस्वा किया जाएगा। दुनिया में कैसे रुस्वा किया गया, जिस जिसने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी की, पैगंबरों की बात नहीं मानी, तो क्या हुआ, उन सब कौम के ऊपर अजाब आ गया और वो सारी की सारी कौम जो है वो अजाब में मुब्तला हो गई। तो ये एक तरह से रुस्वाई है और सब, और अल्लाह ताला की लानत पड़ी उस कौम पर। और जहां जहां अजाब आया वहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते भी नहीं थे और कहते थे यहां से फौरन तेजी से गुजर जाओ। ठीक है, तो उन दुनिया में तो रुस्वाई मिली और आखिरत में भी उनके लिए रुस्वाई है। और फिर कयामत के दिन वो खुद कहेंगे, यानी जो लोग झगड़ते थे कहेंगे, यानी जिसको इल्म दिया गया था, यानी जो लोग इल्म वाले थे, जिनको इल्म दिया गया, वो क्या कहेंगे कि बेशक आज के दिन रुसवाई और बुराई तो काफिरों पर है। यानी जो समझदार लोग थे और वो तो मान गए, रुक गए, ईमान ले आए, लेकिन वो क्या कहेंगे कि आज जो है, आज रुसवाई और बुराई किसको मिलेगी, काफिरों पर। जबकि दुनिया में क्या होता है, वो लोग जो है अहले ईमान को बुराई देने की कोशिश करते हैं, रुसवाई देने की कोशिश करते हैं, बेइज्जती करते हैं, मारा सताया जाता है, परेशान किया जाता है। अगर मोमिन भी सबर करता है, अल्लाह ताला के खातिर सबर करता है, अपने ईमान पर डटा रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि ये टेस्ट होता है, मजबूत रहता है, तो फिर क्या होगा, कयामत के दिन उनके लिए ही क्या है, भलाइयां ही भलाइयां हैं। और फिर वो लोग खुद कहेंगे कि आज तो रुसवाई किसके किस पर है, काफिरों पर। आयत 28, अल्लदीना, वो लोग जो तत्वफ
हम फौत करते हैं हम उन्हें। तवफ्फा, वाउफा या इसके रूट लेटर्स हैं, तवफ्फा या तवफ्फा, ये आखिर में या के साथ आता है, ये फेले मुजारे हैं। वो लोग जो तवफ्फा फौत करते हैं उन्हें मलाइकतु फरिश्ते, यानी फौत करते हैं फरिश्ते मतलब क्या, फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं। जालिमी, जबकि वो जालिम है, जालिमी जबकि वो जालिम है, अनफुसिहिम यानी जुल्म करने वाले हैं, जालिमी जो है ना यहाँ पर जालिम, जालिमी जुल्म करने वाला ये फाइल है, अनफुसिहिम अपनी नफ्सों पर। फअल्कौ तो डाल दो, तो डालते हैं, फअल्कौ पेश करते हैं डालते हैं, और ये वहां पे जो पेश आ रहा है ना अल्कबुल आ रहा है, असल वर्ड क्या है अल्कौ है, और वहां पे जो पेश आ रहा है वो आगे मिलाने के लिए आ रहा है, अल्का युल्की अल्की। अल्कबू तो वो पेश करते हैं, अस्सलाहा सुलाह, मा कुन्ना नहीं थे हम, मा यानी नहीं, कुन्ना थे हम, ना अमलु अमल करते, अमीला या अमलु से ना अमलु फिल मुसारे, मिनसूई बुराई कोई बुराई, बला क्यों नहीं या बल्कि या क्यों नहीं, इन्ना बेशक अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बीमा उसको जो कुंतुम थे तुम, तामलून अमल करते, अमीला या अमलू से तामलून अमल करते, मतलब क्या के वो लोग जिनको फौत करते हैं हमारे फरिश्ते उन्हें जो जुल्म करने वाले हैं अपनी जान, तो यानी जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो शिर्क करते हैं उनके बारे में यहाँ पर आ रहा है कि मरने के बाद ये पता चलता है कि फौरन ही रूह पर अजाब शुरू हो जाता है, यानी इस आयत में क्या पता चलता है कि मरने के बाद फौरन ही अजाब शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कहते यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फरिश्ते क्या कहते हैं कि अब जैसे कि अगली आयत में आ रहा है, अगली आयत इससे कनेक्टेड है, ये देखो आयत नंबर 29, फदखुलू तो दाखिल हो जाओ, दखला यदखुलू उदखुलू तो दाखिल हो जाओ, अब वाबा दरवाजों में, जहन्नमा जहन्नम के, बाब की जमा अबवाब है, ये प्लूरल है, दरवाजे दरवाजों में जहन्नम के, खालिदीना फीहा हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, फला बिक्सा का मतलब तो, ला मतलब जरूर ही, बिक्सा बुरा है, तो जरूर ही कितना बुरा है, मसवा ठिकाना, मसवा ठिकाना, अलमुतकब्बिरीन तकब्बुर करने वालों का, तकब्बरा या तकब्बरू मुतकब्बिर, मुतकब्बिरीन फाइल जमा तकब्बुर करने वाले, यानी इन आयतों से ये पता चलता है कि फौरन मरने के बाद ही अजाब शुरू हो जाते हैं, और फरिश्ते जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि दाखिल हो जाओ दरवाजे। आयत नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि जब फरिश्ते रूह कब्ज करने आते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी जो शिर्क करने वाले थे, तो यहाँ पर फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं, यानी पेश करते हैं उन पर सुलह, यानी जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं ना, तो आपको पता है वो वाली हदीस बताई गई है कि जो बद रूहें होती हैं तो उनको बड़ी जोर से खींच कर वो निकालते हैं, और फिर उनको जो है बदबूदार कपड़े में लपेट कर, चीथड़े में लपेट कर, वो इतना इतना बदबूदार होता है कि उससे जो है आसपास में बदबू ही बदबू, यानी एक पूरा घर में इतनी स्मेल नहीं आती, या मुर्दा घर में इतनी स्मेल नहीं आती जितनी उसमें आती है। तो आसमान वाले फरिश्ते भी कहते हैं कि ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, तो कहा जाता है कि ये किसी कोई बदरू है। तो जब वो रूह निकालने आते हैं उनकी, तो वो झूठ बोलते हैं उस हाल में, क्या उनके ऊपर सुलह पेश करते हैं, यानी क्या कहते हैं, सलामती पेश करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो शिर्क नहीं करते थे, और हम मुशरिक नहीं थे, जैसे कि सूरे अनाम में भी आया था ना कि वो लोग कहते थे कि अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं है, हम मुशरिक नहीं थे, दूसरे है ना, और फिर एक दूसरी जगह आएगा आगे भी 18वें पारे में, तो वो लोग जो है वहां पर भी वो झूठी कसमें खाएंगे कि अल्लाह ताला हम शिर्क नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी वो फरिश्तों को क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते थे, हम जो है शिर्क नहीं करते थे, तुम ऐसे कैसे निकाल रहे, यानी झूठ बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं या फरिश्ते उनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला सब जानते हैं कि तुम क्या अमल करते थे, यानी अल्लाह ताला को तुम्हारा एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक 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 जी एक एक पल का हिसाब है अल्लाह ताला के पास तुम्हारा, कि तुम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे।
फिर फरिश्ते उनसे क्या कहेंगे कि दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यानी फौरन ही अजाब उनके ऊपर शुरू हो जाएंगे, यानी इधर से जाने निकले उधर उन्हें जहन्नम में भेजा, यानी जिस दिन वो फौत होंगे उनकी रूहें निकल जाएंगी उनकी कब्रों में, उनकी कब्रों में उनके जिस्मों को जहन्नम की गर्मी गर्म और गर्म तपिश और लू पहुंचेगी, यानी लू उनकी बहुत गर्म गर्म जहन्नम की तपिश उनके पास पहुंचेगी और रूहें जहन्नम में सिज्जीन में फेंकी जाएंगी। कहाँ? जैसे कि आगे पता चलता है कि जो बद रूहें होती हैं उनके बद अमाल होते हैं उनको कहाँ फेंका जाएगा, जहन्नम में सिज्जीन में फेंका जाएगा। फिर जब कयामत का दिन आएगा तो उनकी रूहों को जिस्मों में दाखिल करके हमेशा के लिए फिर जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा। यानी ये भी राय मिलती है कि कब्र में तो उनको अजाब मिलेगा ही मिलेगा और उनके लिए खिड़की खोल दी जाएगी जहन्नम की और उसमें वो बहुत सख्त अजाब को झेलेंगे और फिर वो कहेंगे कि यहाँ पर इतना अजाब है तो बाद में जाकर कितना अजाब। और फिर ये भी कहा जाता है कि उनकी रूहों को जहन्नम में डाल दिया जाता है और जब अल्लाह ताला कयामत लेकर आएंगे, कयामत आएगी तो फिर फैसले होंगे, फिर हमेशा के लिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जिंदगी जो है वो मौज करने के लिए नहीं है, एक मेला नहीं है कि यहाँ पर आए और मजे करें, मजे उड़ाए और अपनी सारी जिंदगी ऐसी जाया कर दी और चले गए। मरने के बाद वाली जिंदगी ही असल जिंदगी है, उस मुसीबत से हमें बचने के लिए यहाँ भेजा गया कि उस मुसीबत से किसी तरह बच जाए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई वो गुनहगार आदमी हो मरने वाला तो फरिश्ते कहते हैं कि ए खबीस रूह निकल, जो खबीस जिस्म में रही काबिल मुजम्मत होकर यानी बेइज्जत होकर उसमें से निकल जलील होकर, खोलते हुए पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी कबूल कर, यानी अब तुम्हारे लिए ये अंजाम है, यानी ये कहा जाएगा उनको। और इसके अलावा बहुत सा आता है कि ये कहा जाएगा कि अब तुम अब वो उनसे कहा जाएगा कि अलग अलग किस्म के अजाब की खुशखबरी सुन लो, उनके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि उनकी रूह निकल जाती है, यानी मौत के वक्त भी जब जान ली जा रही होती है तो उनको डांट पड़ रही होती है कि अब तुमने दुनिया में जो है इतनी बुराइयां कर ली, दुनिया में मजे उड़ा लिए, बिल्कुल ध्यान दिया आखिरत का, तो उनको डांटते हुए फरिश्ते उनकी रूह निकालेंगे। तो इसलिए वो दिन ना आए बल्कि फरिश्ते हमारे पास आए और वो बहुत अच्छे से हमारी रूह को निकाले, रेशम के कपड़े में लपेटे और खुशबूदार कपड़े में लपेटे, ऐसे हमें अमल करने चाहिए। और फिर हमारी रूह खुद कहती है कि जल्दी जल्दी मुझे दफना दो, मुझे आगे के अंजाम दे दे, यानी इतना इतना अच्छा उनके साथ बिहेवियर किया जाता है कि वो तड़प रहे होते हैं कि जल्दी से दफना दो, हमें आगे का अंजाम देखना है, हमें हमें अच्छा अंजाम दे। आता है ना कि जब जनाजे को ले जाया जा रहा होता है, अगर वो बुरा इंसान होता है, बद इंसान होता है, तो उसकी रूह जो है ना तड़प रही होती है, कहती है कि मुझे मत दफनाओ, मुझे मत दफनाओ, मेरा अभी ये हाल है तो मेरा कब्र में जाकर क्या हाल होगा। लेकिन जो नेक रूहें होती हैं वो कहती है मुझे जल्दी से दफना दो, मुझे अच्छा अंजाम दे। और फिर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि मुर्दों को जल्दी से दफना देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बद है तो तुम उसका बोझ अपने ऊपर क्यों उठा रहे हो, और अगर वो नेक है तो उसको उसके अंजाम से क्यों रोक लो, फटाफट उसको दफना। फिर आयत नंबर 30 देखे, वकीला और कहा जाता है लिल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने इत्तकौ तकवा किया, इत्तका यत्तकी इत्तकौ फेले माजी माजा क्या, ये क्वेश्चन के लिए आता है माजा क्या, अंजला नाजिल किया, अंजला युनजिलु क्या नाजिल किया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, आलू वो कहते हैं खैरन भलाई, खैर बहुत भलाई, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अहसनु अच्छा किया, हुस्न से हासिनून अहसना युहसिनु अहसनु अच्छा किया, फी हाजिहि दुनिया इस दुनिया में, हसनतुन भलाई है, वलादारू वलादारू वा मतलब और ला मतलब जरूर, दारू घर और जरूर घर, आखिरती आखिरत का, खैरुन बेहतर है, वला नीमा और कितना अच्छा है, दारू घर अलमुत्तकीन मुत्तकियों का। अब देखें जहां बुरा अंजाम बताया गया
वहीं क्या बताया गया, अच्छा अंजाम बताया। तो अब यहाँ पर अच्छा अंजाम बताया गया, जो नेक रूहें होती हैं, कहा जाता है, कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने तकवा किया, क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, वो कहते हैं भलाई ही भलाई उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया, इस दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, यानी उनको दुनिया में भी खैर मिलती है और आखिरत में भी। अच्छा, सारी खैर जो है ना उनको कुरान में नजर आती है, सारी खैर उनको कुरान में नजर आती है। और दुनिया में भलाई क्या है, पाकीज़ा जिंदगी, यानी दुनिया में वो कहेंगे ना, क्योंकि जो नेक लोग होंगे उनकी रूह जब फरिश्ते कब्ज करने आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो वो लोग क्या कहेंगे, हमारे रब ने सिर्फ भलाइयां ही भलाइयां नाजिल की हमारे ऊपर और अच्छाइयां ही अच्छाइयां नाजिल की हमारे ऊपर, और फिर दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी। और दुनिया में हमें क्या मिला, दुनिया में हमें पाकीज़ा जिंदगी मिली, साफ सुथरी जिंदगी मिली, अच्छी जिंदगी मिली, अल्लाह ताला की रजा वाली जिंदगी मिली, और आखिरत की भलाई क्या होगी, वो नेमतों भरी है, जन्नतें ही जन्नतें। आखिरत में तो खैर हम अंदाजा ही लगा सकते कितनी भलाइयां, लेकिन दुनिया में भी उन लोगों को भलाइयां मिलती हैं। आप ये सोचे कि इस कुरान में भी कितनी खैर है कि इस कुरान के अंदर भी अगर आप देखें कि आप लोग खुद पर्सनली अगर रियलाइज करेंगे, आप लोग बिल्कुल सुकून से होंगे और सुकून होगा आपकी लाइफ में, भले ही आजमाइशें कितनी भी हो, भले ही तंगी हो, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, वो टेस्ट है, लेकिन सुकून होगा, जहनों में भी सुकून होगा, अंदर भी सुकून होगा, और तड़प होती होगी उस कुरान के लिए, और बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ बैठकर, यहाँ इसमें गौर और फिक्र करके। और फिर दुनिया में भी जो आजमाइशें आ रही हैं उसको भी आप आराम से और डटकर उसका सामना करेंगे, लेकिन उसमें भी सुकून होगा। तो नेक उनके दिलों में अल्लाह ताला जो है ना सुकून डाल देते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, वो जो भी काम करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, अगर तंगी भी आती है ना तो अल्लाह ताला की खातिर सबर करते हैं, तो उसमें भी उनको मजा आता है। इस कुरान में भी, जबकि दूसरे लोग जो कुरान नहीं पढ़ रहे ना, उनको देख कर ये लग रहा होगा कि देखो ये एक घंटा कैसे वेस्ट हो रहा है इनका, और ये दुनिया की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, उनको नहीं पता चल रही इसकी कदर, लेकिन जब खुद इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, रियलाइज करेंगे तो पता चलेगा वाकई दुनिया में इतना सुकून नहीं है जितना सुकून अल्लाह ताला ने कुरान में रख दिया। क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही कहते हैं ना कि इस कुरान से ही दिलों को सुकून मिलता है, तुम कहाँ सुकून ढूंढते हो, सुकून तो कहाँ है, सुकून तो अल्लाह ताला ने, और जो दिल मुतमईन होते हैं लोगों के वो किससे होते हैं, वो तो इस कुरान से होते हैं। तो जब मैंने खुद पहली बार जब मैंने इस कुरान का एनालाइज किया था, और उसके बाद मुझे पता चला था कि सहाबा कराम की और सहाबियात की इतनी कैफियत कैसे होती थी, जब वो नमाजें पढ़ते थे, लंबी लंबी नमाजें, और कुरान पढ़ते थे, रोना आता था और उनको मजा आता था, ज्यादातर टाइम इबादतों में निकलता था, ऐसा कैसे हो जाता था। और जब कुरान का एनालाइज करा पता चला कि वाकई ऐसा होता था कि अब इतना टाइम जो है वो कुरान के अंदर निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता, और बल्कि और सुकून मिलता है और मजा आता है। और जब ना इसके अंदर जब हम नहीं गौर और फिक्र करते और तो ऐसा लगता है कि बेचैनी बदसकूनी लगती है, और फिर इसके अंदर कितना भी टाइम, और आप देखें कि आप लोग यहाँ से कुरान पढ़ने के बाद कुछ लोग बल्कि मेजॉरिटी ऐसी होगी जो यहीं तक नहीं रुकेंगे बल्कि और आगे बढ़ते जाएंगे, और उनके अंदर ख्वाहिश जागेगी, उनकी रूह और तड़पेगी कि हमें और ज्यादा दो, तो वो और ज्यादा इसके अंदर गौर और फिक्र करेंगे, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ, तो वो जिंदगी भर तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे और उनको इसमें सुकून मिलेगा। तो ऐसा सुकून रख दिया अल्लाह ताला ने इसमें। और फिर यही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि दुनिया में तो उन लोगों को भलाई है ही है और आखिरत में भी उन लोगों के लिए भलाई है जिन्होंने तकवा किया। फिर आयत नंबर 31, जन्नातिन बागात तज अदनिन हमेशगी के यद खुलूनहा, वो सब दाखिल होंगे उसमें, दफला यद खुलू, वो सब दाखिल होंगे उसमें, तजरी बहती हैं, जरा यजरी से तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अनहार नहरे, लहुम उनके लिए, फीहा उसमें, मा वो है जो, यशाऊना वो सब चाहेंगे, शाआ यशाऊ यशाऊना वो सब चाहेंगे, कजालिका इसी तरह, यजजी बदला देगा, जजा यजजी बदला देगा, अल्लाहु अल्लाह मुत्तकीन मुत्तकी लोगों को। यानी अब यहाँ पर क्या खुशखबरी दी जा रही है, इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात है, वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, है ना। तो इंसान की इतनी ख्वाहिश होती है, इतनी ख्वाहिश होती है कि वो पूरी नहीं होती, लेकिन जन्नती लोग, दुनिया में तो इंसान की बेशुमार ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती,
अब जितना चाहे जितनी मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, तलब कर ले, लेकिन सारी ख्वाहिशें नहीं मिलेंगी, सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उन ख्वाहिशात को पूरा होने की एक जगह रखी है कि इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, इंसान को सब कुछ मिल जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक जगह रखी है और वो क्या है, जन्नत, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। उसमें जितनी ख्वाहिशें उनकी होंगी, वो जो वो मांगेंगे वो सब पूरा हो जाएगा वहां पर। तो हजारों ख्वाहिशें भी होंगी तो वहां पर जाकर वो भी पूरी हो जाएंगी। और फिर खास तौर से नेमतों का जिक्र, खास तौर से बागात का जब आता है जिक्र तो नहरों का जिक्र भी आता है। तो फिर यहाँ पर क्या है, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया कि जो जो वो चाहेंगे वो यहाँ मिलेगा। अगर दुनिया में तो नहीं मिलता, लेकिन जन्नत में जो जो चाहेंगे वहाँ वो सब उनको मिलेगा। कहाँ पर, किसका अंजाम बताया जा रहा है, मुत्तकी लोगों को। और खास तौर से नहरों का जिक्र है यहाँ पर। और नहरें कैसी होंगी, जो है चार तरह की नहरों का जिक्र होता है, दूध का, शहद का, मशरूब का, पानी का, और बिल्कुल खालिस, बिल्कुल प्योर और बहुत ज्यादा तरोताजा और अच्छा, और जिसको पीकर भी सुकून मिलेगा, अंदर तक तर हो जाएगा इंसान। तो परहेजगारों को अल्लाह ताला ऐसी ही जगह देता है, जैसे कि सूरह हामीम सजदा में आएगा, आयत नंबर 31 और 32 में, कि वहां जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तमन्ना पूरी होगी, और सारा सामान तुम्हें वहां पर मिलेगा, और अल्लाह ताला वक्त भी धरती में। ठीक है, हदीस में आता है जितनी जन्नती शख्स जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा खाने की ख्वाहिश करेगा तो वो उसके हाथ में पका हुआ और टुकड़े किया हुआ आकर गिरेगा। यानी सिर्फ ख्वाहिश करने से ही वो उसके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम कितनी ख्वाहिश करते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन मायूस मत हो, क्या सोचे कि नहीं जन्नत में अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में से एक शख्स अपने रब से काश्तकारी की इजाजत चाहेगा, यानी एग्रीकल्चर की, तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि क्या तू अपने मौजूदा हालत पर खुश नहीं है। वो कहेगा क्यों नहीं, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं खेती बाड़ी करूं। तो आपने फरमाया फिर वो बीज काश्त करेगा, यानी बीज डालेगा जमीन में, और वो पलक झपकने में वो उग जाएगा, यानी पल के झपकेगा वो फौरन उगकर सीधा खड़ा हो जाएगा, और कांटे और वो जो है खाने के, यानी खाने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये कहा जाता है कि वो सीधा हो जाएगा और कांटे के काबिल हो जाएगा, काटने के काबिल हो जाएगा, देखते ही देखते पहाड़ की तरह उग जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ए आदम के बेटे, ये है जो तुझे जो चीज चाहिए थी, है ना। फिर और ये भी आता है कि ए आदम के बेटे ये ले, तुझे कोई चीज सैर नहीं कर सकती, यानी सब कुछ मिलेगा। अगर इंसान की वहां पर वो चाहेगा ना कि मेरे बच्चे भी हों, तो अल्लाह ताला वो भी ख्वाहिश पूरी करेंगे, यानी हर तरह की ख्वाहिश इंसान की वहां पर पूरी की जाए। लेकिन वक्त बहुत तेजी से, यानी बहुत तेजी से हो जाएगा वो सब काम। जैसे यहाँ पर तो कितनी मेहनत करता है, साला साल उगता है, सब कुछ काटता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन वहां पर उसकी ख्वाहिश होगी ना खेती बाड़ी की, बीज होएगा, पलक झपकने में वो क्या हो जाएगा, पहाड़ की तरह बड़ा हो जाएगा, काटने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला बदला देंगे। फिर देखें आयत नंबर 32 में, अल्लदीना वो लोग जो तवफ्फा हम फौत करते हैं उन्हें, तवफ्फा या तवफ्फा फौत करते हैं उन्हें, मलाइकतु फरिश्ते तय्यबीना इस हाल में कि वो पाक होते हैं। तय्यब, तय्यब किसे कहते हैं, पाक। तय्यबीना ये जो है फाइल जमा कि वो पाक होते हैं, यकुलू वो सब कहते हैं, फाला यकुलू यकुलूना फेले मुसारे वो सब कहते हैं, सलामुन सलाम हो, अलैकुम तुम पर, उदखुलू दाखिल हो जाओ, दखला यदखुलू उदखुलू दाखिल हो जाओ, अलजन्नता जन्नत में, बिमा इस वजह से जो कुंतुम थे तुम, तामलून अमल करते, अमीला यामलू से तामलून तुम सब अमल करते। यानी अब फरिश्ते उनको क्या कहेंगे, पहले फरिश्ते बुरी रूह के लिए क्या कहते थे कि निकलो अपने अंजाम की तरफ, अब यहां पर क्या कर रहे हैं वो कि उनको यानी वो लोग पाक होते हैं, यानी जो लोग नेक होते हैं वो इस हाल में मरेंगे कि वो पाक होंगे। यानी पाक किन लोगों को कहा जा रहा है, जो लोग फर्मबरदार हैं अल्लाह ताला के, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, उनको कहा जा रहा है। और वो क्या कहेंगे, सलाम, यानी सलामती हो तुम पर, फरिश्ते उनको आकर सलाम करेंगे और क्या कहेंगे, दाखिल हो जाओ जन्नत में इस वजह से जो तुम अमल करते थे। तो काफिरों का अंजाम बताया गया, यहाँ मोमिनों का अंजाम बताया गया कि उनको आकर फरिश्ते पहले सलाम करते हैं, फरिश्ते जो है खुशखबरी देने के लिए आते हैं,
और फिर उसके बाद उनको जो है जब दफनाया जाता है, जन्नत की खिड़की उनके लिए खोल दी जाती है, उनकी रूह को कहा जाता है एक जन्नत में बर्जख वाली जगह पर भेज दिया जाता है, वहां खूब मजे करती है इनकी रूह है। फिर जब कयामत आएगी तो वापस उनको जिस्म में भेजा जाएगा, फिर हिसाब किताब होगा, फिर असल में उनको जन्नत में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो ये किसका अंजाम बताया जा रहा है यहाँ? नेक लोगों। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनकी रूह के साथ क्या किया जाता है, सलामती के साथ उसको निकाला जाता है, और ऐसे उनकी रूह निकल जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता, बहुत आसानी से उनकी रूह निकल जाती है। और फिर उनको उसकी उनकी रूह को कपड़े में लपेटा जाता है, खुशबूदार रेशम के कपड़े में, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं उनके लिए, यानी आसमान तक ले जाया जाता है। फरिश्ते कहते हैं इनकी इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, तो फिर दूसरे फरिश्ते कहते हैं लगता है कोई नेक रूह है। फिर उनके लिए दरवाजे खोले जाते हैं आसमान के, फिर फरिश्ते उनको सलामती भेजते हैं, सलाम कहते हैं, फिर वापस उनकी रूह को जमीन पर भेजा जाता है। और फिर वो अपने जनाजे के साथ चलती है और कहती है जल्दी से मुझे दफना दो, मुझे अपने अंजाम को देखना है, और फिर उसको दफना दिया जाता है। देखिए आयत नंबर 33, हल नहीं यंजुरूना, वो सब इंतजार कर रहे हैं, नजारा यंजुरू इल्ला मगर अन ये के ताती हम आ जाए उनके पास, अतायाती से तातिया अल मलाइकतु फरिश्ते, औ या आ जाए अल अमरू, आ जाए अमरू हुक्म रब्बी का आपके रब का, कजालिका इसी तरह फआला किया अल्लदीना उन लोग, अल्लदीना उन लोगों ने जो मिन कबली ही उनसे पहले थे, मिन मतलब से ये कबल मतलब पहले, वमा और नहीं जलमा हूं जुल्म किया था उन पर अल्लाह अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसा हूं अपनी जानों पर यजलिमून जुल्म करते, जलमा यजलिमून से जलमा फेले माजी यजलिमून फेले मुसारी। तो अब नहीं वो इंतजार करते मगर ये कि आ जाए उनके पास फरिश्ते या आ जाए हुक्म, मतलब यानी क्या वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि क्या वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे, या अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा यानी जब अजाब का हुक्म आ जाएगा तब वो लोग सुधरेंगे, यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि क्या वो तब सुधरेंगे। और इसी तरह उन लोगों ने भी किया था जो उनसे पहले थे, जितनी कौमें आ गई थी वो कोई भी ईमान नहीं लाई थी, किसी ने अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की बात नहीं मानी थी, फिर उनके ऊपर अजाब आ गया, फिर वो क्या कहते थे अब हम ईमान लाते, फिर उस वक्त ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। जैसे कि फिरौन ने कहा था ना, डूब रहा था फिरौन और उसने क्या कहा था कि मैं अब ईमान लेकर आता हूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या अब ईमान लेकर आता है, अब तो कोई फायदा नहीं है ईमान लाने का, तो उस वक्त कोई फायदा नहीं होता। तो वो क्या करते थे, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपने आप पर जुल्म करते थे, यानी कोई उनका अंजाम देखकर ये ना सोच बैठे कि अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला ने उन पर इतना जुल्म किया, ऐसा ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसी सोच ना आ जाए। इसलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैंने जुल्म नहीं किया, अपनी जानों पर वो जुल्म करते थे। जाहिर है ना, अगर आप जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो क्या किसी और ने आपके ऊपर जुल्म किया? नहीं ना, अपने इंसान ने अपने हाथों से खुद अपने आप को तकलीफ पहुंचाई और क्या किया, जुल्म किया। इसी तरह जब पता है कि मैं गुनाह करूंगा या मैं जो है नमाजें छोड़ूंगी तो मुझे उसका इतना अजाब मिलेगा, मैं किसी को सताऊंगी तो मुझे इतना गुनाह मिलेगा, उसको पता होता है, या मैं किसी का हक मारूंगी तो मुझे इतना गुनाह मिलेगा, उसे सब पता है लेकिन जानबूझकर फिर भी कर रहा है, तो क्या अल्लाह ने जुल्म किया उसके ऊपर? नहीं, वो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा है। ये ना सोचे कोई अजाब देखने के बाद कि अल्लाह ताला इतना जुल्म करते हैं, नहीं बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। आयत 34, फअसाबहुम, फा मतलब तो असाबहुम, पहुंची उन्हें, असाबा युसीबू से पहुंची उन्हें, सैयात बुराइयां, मा वो जो, अमीलू उन्होंने अमल किए, अमीलू अमल अमीला या अमलू से, अमीलू उन सब ने अमल किए, वह हाका और घेर लिया, हाका हाका कहते हैं घेरने को, और घेर लिया सराउंड कर लिया, हा या काफ इसके रूट लेटर से हाका यही कुहिक, तो घेर लिया बिहिम उन्हें, माँ जो कानू थे वो बिही उसका, यस्तहजी ऊन मजाक उड़ाते, इस तहजा यस तहजी ऊ जिसका थे वो मजाक उड़ाते, यानी उन लोगों को क्या पहुंची बुराइयां, यानी क्योंकि पैगंबर आए उन लोगों के पास, मुशरकीन मक्का के पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, मुसलमानों का मजाक उड़ाया, लोगों का मजाक उड़ाया, फिर क्या हुआ उनके साथ, अंजाम उनका बुरा ही अंजाम हुआ उनका। और फिर पहली कौमें
कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, कौमे हूद, ये सारी की सारी कौम इन्होंने जो है अपने पैगंबरों को जितलाया और फिर मजाक बनाया। और किस चीज का मजाक बनाते थे? कयामत का मजाक बनाते थे, अजाब का मजाक बनाते थे, और फिर वही अजाब उनके ऊपर आ गया जिसका वो मजाक बनाया करते थे। आयत 35, वकाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने अशरकू, शिर्क किया, अशरक का युश्रिकु, शिर्क किया, लव, अगर शाह चाहता अल्लाहु अल्लाह, मा अबदना, नहीं हम इबादत करते, माँ का यहाँ पर क्या है, नहीं, अबदना, हम इबादत करते, अबदा याबुदू अबदना फेले माजी, नहीं हम इबादत करते, मिंदू नहीं उसके सिवा, उसके अलावा, मिन शई इन किसी चीज की, नहनु हम, वला और ना ही, आबाउना हमारे बाप दादा, वला और नहीं, हर्रमना हम हराम करते, हर्रमा युहर्रिमु से हर्रमना, नहीं हम हराम करते, मिंदूनी ही उसके सिवा, मिन शई इन कोई चीज, कदालिका इसी तरह, फअला किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, मिन कबलिहिम उनसे पहले थे, पहल तो नहीं है, हल का यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे इल्ला है, और अगर इल्ला नहीं होता तो फिर हल क्वेश्चन के लिए आता, क्या के लिए, लेकिन इल्ला जब होता है तो जरूर ही फिर वो नहीं में हो जाता, तो नहीं है, अला रसूली रसूलों पर, अब ये रसूल जो है, रसूल जमा है, बहुत सारे रसूलों की बात हो रही है, रसूल ये जमा रसूल, इल्ला मगर बलाहु पहुंचा देना, मुबीन कुल्लम कुल्ला, मतलब इस आयत में मुशरिकीन के एक वहम का, वहम की तरफ अंदाजा किया गया, इशारा किया गया कि उनका क्या वहम था, क्या गुमान था, मतलब वो क्या सोचते थे, उसका अल्लाह ताला ने आंसर दिया है। वो ये कहते थे कि हम जो है अल्लाह को छोड़कर दूसरों की बातें करते हैं या उसके हुक्म के बगैर कुछ चीजों को हराम कर लेते हैं, अगर हमारी ये बातें गलत हैं तो अल्लाह ताला हमें जो है अपनी कुदरत से, यानी अपनी कुदरत कामला से हमें उन चीजों से रोक देगा। नहीं, अगर ये सब चीजें इतनी गलत है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकते, अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो चाहता तो हम काम करते ही ना, और अल्लाह ताला हमें इन कामों से नहीं रोक रहा, इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अल्लाह ताला की मर्जी है इसमें। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने उनको रोका, हर तरीके से रोका, कैसे रोका, उनको उनको जो है उनके पास रसूल भेजे, रसूलों ने उनको समझाया, उनके पास किताबें भेजी और उस किताबों में सब कुछ लिखा था, लेकिन वो बाज नहीं आए, उनके ऊपर अजाब आ गया, पहली कौम और उसके बाद जो कौम आई अल्लाह ताला ने उनका अंजाम बताया, जिस कौम के ऊपर अजाब आया कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारे ऊपर भी इनकी तरह अजाब आ जाए, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सख्ती से रोका, लेकिन वो नहीं माने, ये उनका वहम है, गुमान है कि वो ऐसे सोचते हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं रोकते, अल्लाह ताला तो रोकते हैं, तभी तो अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं, तभी तो अल्लाह ताला रसूलों को भेजते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इसी तरह तो और लोगों ने भी किया था, तुमसे पहले जितने भी रसूल आए सब ने ऐसे किया, लेकिन सबका काम क्या है, रसूलों का काम सिर्फ क्या है, पहुंचा देना, पैगाम देना, अगर लोग बुराइयों से नहीं रुकते तो हम अल्लाह ताला यहाँ पर उन लोगों को भी तसल्ली दे रहे हैं कि अगर लोग बुराइयों से नहीं रुकते तो सिर्फ हमारा काम क्या है, लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देना। और यकीन जाने जितना फर्क मैंने देखा है कुरान से होता है इंसान पर, कुरान पढ़ने से, कुरान में गौर और फिक्र करने से इंसान बिल्कुल बदल जाता है, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, यानी वो उसकी नजरियात उसके बदल जाते हैं, देखने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, वो किसी और चीज से नहीं हो सकता, कितनी भी नसीहतें इंसान अपनी तरफ से कर ले कम ही चेंज आता है, आता ही नहीं। कुरान अगर हम पहुंचा देना उसके दिल तक तो बहुत लोगों को बदलते देखा है मैंने, लोगों को इस कुरान के खातिर अपना कैरियर तक चेंज करते हुए देखा है, इन्हें कुरान के खातिर मैंने बहुत कुछ छोड़ते हुए देखा है लोगों को, कुछ लोगों ने तो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ी कुरान के खातिर, और फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जब कुरान मुकम्मल हुआ उनकी नौकरी इससे ज्यादा अच्छी मिली, यानी अल्लाह ताला के खातिर कुछ छोड़ते हैं तो इससे ज्यादा बढ़कर मिलता है ना। कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने मतलब सब कुरान के खातिर बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन उसका अजर बहुत, मतलब उसका सिला उनको दुनिया में भी मिला और आखिरत में तो खैर मिलता ही मिलता है। तो फिर अगर हम ये चाहते ना कि हम हमारे घर वाले और हमारे बच्चे सीधे रास्ते पर आए और हम जो है लोगों तक, हम लोगों को जो है बुराइयों से रोकें,
तो उसका एक तरीका सिर्फ यही है कि इस कुरान को लोगों के दिलों तक पहुंचा दो, बल्कि अपना एक एम बना लो कि अल्लाह ताला मेरे जरिए इस कुरान को हर दिल में, हर घर में और हर हाथ में पहुंचा दे। और इसी तरह, क्योंकि हमने क्या करा, हम जो है बाकी की किताबें तो पढ़ लेते हैं, मैंने मुसलमानों की मेजोरिटी देखी, उसको क्या कहते हैं, हाँ, फजाइल अमाल पढ़ लेते हैं, बेहश्ती जेवर पढ़ लेते हैं, और न जाने कौन कौन सी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान ही नहीं पढ़ते। जबकि ये किताबें पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले तो कुरान है ना, सबसे पहले कुरान पढ़ो, उसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ो। लेकिन हम जो है बस हमारी जिंदगी उन्हीं तक रह जाती है और फिर हम मर जाते हैं, और जो मेन चीज है ना कुरान, उसको जिंदगी भर पढ़ते ही नहीं, और इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं दुनिया में करना है या नहीं करना। तो यकीन जाने कुरान से बहुत बहुत चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। खुद आप लोग अपने ऊपर ये करके देख रहे होंगे तजुर्बा कि आप लोग कितना बदल गए होंगे। 1 साल पहले अगर आप जो थे, आप अगर वो देखें, उस लाइफ को देखें और आज की लाइफ को देखें जो शुरू से जुड़े हुए हैं, तो पता चलेगा कि कितना चेंज आया है, कितना बदलाव आया है। और अभी तो 15 पारे भी नहीं हुए, हाफ कुरान भी नहीं हुआ, और आगे कितना चेंज आने वाला है। तो इसलिए पढ़ने के बाद कुरान को अपने पास नहीं रखना, भले ही एक इंसान को पढ़ाए, ये सोचे कि मरने से पहले भले ही मुझे एक को पढ़ाना, लेकिन पढ़ा कर जाना, और अपने बच्चों को भी जरूर जरूर इसको पढ़ाए, इसका फायदा पहुंचाए।